हेलो फैमिली, कैसे हो आप? आई होप आप सभी ठीक ही होंगे। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर हो या आपका कोई चैनल है यूट्यूब पे मेरी तरह, तो आपको पता ही होगा कि आपका जो YouTube का थंबनेल है वो कितना अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो आपको ये भी पता होगा कि आपकी जो पूरी वीडियो रहती है वो पूरी थंबनेल पे डिपेंड रहती है। मतलब आपका थंबनेल अगर अट्रैक्टिव है तभी लोग आपके थंबनेल पे क्लिक करेंगे और आपकी वीडियो देखेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको थंबनेल बनाना सिखाऊंगा, वो भी HD क्वालिटी में, वो भी प्रोफेशनल तरीके से, ताकि जो आपकी थंबनेल है उस पे लोग क्लिक करें और आपकी वीडियो देखें और उस पे व्यूज आए। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी इंस्टेंटली। मेरा नाम है रोहन और आप देख रहे हैं RJ टेक्नो वर्ल्ड चैनल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम टू RJ टेक्नो वर्ल्ड। दोस्तों, चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। मैं लेके चलता हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पर और आपको सिखाता हूँ कि आप थंबनेल कैसे बना सकते हो HD क्वालिटी में, वो भी अट्रैक्टिव नई तरीके से। दोस्तों, इस एप्लीकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले आपको अपना मोबाइल लेना होगा, उसमें ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। इसका नाम है पिक्सल लैब। यहाँ पर मैंने एप्लीकेशन ओपन कर दिया है। यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये जो न्यू टेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे आपको सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऊपर की तरफ में डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं ये डिलीट कर दूंगा टेक्स्ट। यहाँ पे मैं ऊपर की तरफ राइट हैंड साइड पे यहाँ पे 3 डॉट पे जाऊँगा। यहाँ पे हमें YouTube का थंबनेल क्रिएट करना है, तो हमें यहाँ पे इमेज साइज पे क्लिक करना है। एक्सपोर्ट के नीचे यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कस्टम दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ, यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा और यहाँ से मैं एक रेशो सिलेक्ट करूँगा जो भी हमें YouTube के थंबनेल की चाहिए। यहाँ पे मैं YouTube थंबनेल लिखा है, यहाँ पे मैं सिंपली क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद ये जो साइज है ये थंबनेल के लिए परफेक्ट है। तब आपको नीचे की तरफ यहाँ पे आपको बहुत सारे थीम्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे थीम ब्लैक एंड ये बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे थीम्स है यहाँ पे। यहाँ पे हमें एक भी थीम्स नहीं चाहिए, यहाँ पे मैं सिंपली ये डिलीट कर दूंगा। यहाँ से आप नीचे की तरफ आप देख सकते हो, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे नीचे की तरफ यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे आप कलर का ऑप्शन है, यहाँ पे जाना है आपको। यहाँ पे आपको कलर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बहुत सारे आपको ग्रेडियंट देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको कलर का ऑप्शन है, यहाँ पे जो आपको अच्छा लगे वो कलर आप चूज कर सकते हो इस तरह से। यहाँ पे ब्लैक, व्हाइट, यहाँ से रेड कलर, जो आपको अच्छा लगता है बैकग्राउंड कलर वो आप चूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं ब्लैक ले लूँगा। इस तरह से चूज करने के बाद यहाँ पे मैं राइट के साइन पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे प्लस का आइकॉन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे मैं फ्रॉम गैलरी पे क्लिक कर दूंगा, यहाँ से मैं एक अपनी इमेज उठाऊंगा। यहाँ पे हमने एक PNG फॉर्म में हमारी इमेज एक सिलेक्ट की है गैलरी से, यहाँ पे मैं सिंपली क्लिक कर दूंगा राइट के ऑप्शन पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ये जो नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है पॉइंट, यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो अपने इमेज की साइज। इस तरह से आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एडजस्ट की है। यहाँ पे आप जितना चाहे हो आप रख सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो अपने इमेज के हिसाब से। यहाँ पे इस तरह से मैं एडजस्ट कर दूंगा एक कोने में इसको। नीचे की तरफ ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे मैं मिडल पे क्लिक करूंगा कलर के बाजू में। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है स्ट्रोक पे, यहाँ पे मैं स्ट्रोक पे क्लिक कर दूंगा। स्ट्रोक को यहाँ पे इनेबल करता हूँ और यहाँ पे आप अपना जो स्ट्रोक है इमेज का, यहाँ पे येलो कलर का भी लगा सकते हो, यहाँ पे ब्लैक कलर का भी लगा सकते हो और यहाँ पे व्हाइट कलर का भी लगा सकते हो। और यहाँ पे नीचे ये जो साइज है स्ट्रोक की, यहाँ पे आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो। फिर से प्लस के आइकॉन पे जाना है, यहाँ पे प्लस के आइकॉन पे यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा ऊपर की तरफ। यहाँ पे मैं टेक्स्ट पे, यहाँ पे न्यू टेक्स्ट पे आपको टैप करना है सिंपली इस तरह से। यहाँ पे टैप करने के बाद इस तरह से लिखना है और यहाँ पे मैं ओके डन कर दूंगा।
यहाँ पे डन डन करने के बाद यहाँ पे जो टेक्स्ट का साइज़ है आपको ये बढ़ाना है। फिलहाल यहाँ पे आपको ए के ऑप्शन पे क्लिक करना है नीचे की तरफ, और यहाँ पे नीचे की तरफ जो साइज़ है टी के ऊपर साइज दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। और यहाँ से आप इसका साइज़ घटा या बढ़ा सकते हो इस तरह से। यहाँ पे मैं इस तरह से साइज़ को ऐसे आपको जितना चाहिए उतना आप रख सकते हो इस तरह से। और यहाँ पे राइट के ऑप्शन पे मैं क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ जाना है, और यहाँ पे आपको फॉन्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा फॉन्ट के ऑप्शन पे। ये जो फॉन्ट है हमें चेंज करना है। यहाँ पे मैं एक फॉन्ट सिलेक्ट कर लूँगा, फॉन्ट चूज़ करता हूँ और यहाँ पे सिलेक्ट करके ओके दबाता हूँ। यहाँ पे फिर से आपको टेक्स्ट पे जाना है ऊपर की तरफ, और यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करके फिर से न्यू टेक्स्ट पे क्लिक करना है, डबल टैप करना है, और यहाँ से फिर से लिखना है HD थंबनेल। यहाँ से मैं डन कर दूँगा और यहाँ से ओके कर दूँगा। यहाँ पे मैं स्क्रॉल करूँगा और फिर से आपको क्या करना है, टेक्स्ट की साइज़ में जाना है। यहाँ पे मैं टेक्स्ट की साइज़ बढ़ाऊँगा थोड़ी सी, यहाँ पे आप जितना चाहे उतना एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं ये ऊपर की तरफ सरकाऊँगा और यहाँ पे मैं ये मिडल में रखूँगा। फॉन्ट चेंज करना है आपको, ये ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर देना है इस तरह से, और फिर से फॉन्ट में जाना है। यहाँ पे फॉन्ट में आने के बाद यहाँ पे आपको जो चाहिए वो फॉन्ट आपको सेलेक्ट करना है। फिर से मैं ये आर्म रेस्लर का ही फॉन्ट लूँगा और यहाँ पे ओके कर दूँगा। इस तरह से करने के बाद यहाँ पे हमें ये जो इसका जो बैकग्राउंड है इसको मुझे चेंज करना है टेक्स्ट का। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर की तरफ जाऊँगा, यहाँ से आपको टेक्स्ट बैकग्राउंड नाम का ऑप्शन मिलेगा कर्व के बाजू में। यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँगा सिंपली और ये एनेबल कर दूँगा। ये एनेबल करने के बाद आपको कलर में जाना है। यहाँ पे आपको जो भी कलर का बैकग्राउंड चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकोगे। इस तरह से मैं रेड कलर सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे डन कर दूँगा। इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे इसे हमको जो एक स्ट्रोक लगाना है इसे हम स्ट्रोक भी लगा सकते हैं। उस पर आपको क्लिक करना है सिंपली, और यहाँ पे आपको जाना है ऊपर की तरफ, और यहाँ पे आपको स्ट्रोक नाम का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे स्ट्रोक पे जाना है और यहाँ से एनेबल करना है। यहाँ पे मैं फिर से ऊपर की तरफ जाऊँगा प्लस के आइकॉन पे, और यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे डालूँगा इन यूट्यूब। इस तरह से डन पे क्लिक करता हूँ और लिख दूंगा, यहाँ पे क्लिक करता हूँ ओके पर, और यहाँ से आपको इसकी जो साइज़ है फिर से इसकी साइज़ आपको बढ़ानी है। आपको जो चाहिए उतनी साइज़ आप बढ़ा सकते हो इस तरह से। यहाँ पे मैंने इसकी साइज़ इस तरह से बढ़ाई है, और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा राइट के ऑप्शन पे। यहाँ से फिर से आपको एक फॉन्ट चूज़ करना है। यहाँ पे मैं फॉन्ट पे जाऊँगा। यहाँ पे फॉन्ट पे जाने के बाद कोई भी एक आपको फॉन्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं एक फॉन्ट सेलेक्ट करूँगा। इस तरह से आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जाना है कलर के ऑप्शन पे। यहाँ पे कलर के ऑप्शन पे जाऊँगा मैं और इसको करूँगा येलो, और यहाँ पे राइट क्लिक कर दूँगा। इस तरह से आपको करना है, और आपको आपकी साइज़ जो है फ़ोटो की वो आप कम ज़्यादा कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। आपको ये थ्री डॉट पे जाना है ऊपर की तरफ इस तरह से, और यहाँ पे एक्सपोर्ट इमेज का ऑप्शन मिलेगा चार नंबर पर। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है इस तरह से। यहाँ पे आपको सेव टू गैलरी पे क्लिक कर देना है इस तरह से। यहाँ पे आपका जो थंबनेल है वो सेव हो जाएगा आपकी गैलरी में। तो दोस्तों आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपको कोई परेशानी है YouTube रिलेटेड तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको नहीं पता है कि आपको थंबनेल कैसे लगाना है तो मैंने ऑलरेडी एक YouTube पे वीडियो बना रखी है कि हाउ टू ऐड अ थंबनेल इन YouTube वीडियो, वो आप देख सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।